बॉम्बे एक बहुत अजीब सा शहर है। इतनी आबादी के बावजूद यहाँ का अकेलापन यहाँ की ऊंची इमारतों की तरह है, जिन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन छूने के लिए वक्त नहीं। बॉम्बे में हर समय हर कोई एक भाग दौड़ में लगा रहता है। लोग कहाँ जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं जा रहे हैं ये हम सबको मालूम है। बॉम्बे आपको रिश्ते भी भुलाने लगता है। आप घर, गाड़ी, पैसे से एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि आप रोटी के साथ नाश्ता, कपड़ों के साथ दोपहर का खाना और मकान के साथ लिपटकर सो भी जाया करते हैं। एक ऐसी ही भागदौड़ में थी मैं। अपने अकेलेपन को समेट के एक ऐसी ही ऊंची सी इमारत में मैं घर ढूंढ रही थी। करीबन 1 साल हो गया था मुझे उस बिल्डिंग में रहते रहते, लेकिन टिपिकल बॉम्बे स्टाइल में मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। शायद आपने ये सुना होगा कि आप अपने दोस्त खुद चुनते हैं, आप अपने दुश्मन भी खुद चुनते हैं, लेकिन आपका परिवार और आपके पड़ोसी सिर्फ ऊपर वाला ही चुनता है। एंटी सोशल हूं मैं थोड़ी, मुझे दोस्त बनाना नहीं आता, और अगर कभी गलती से दोस्ती हो भी जाती है तो उस दोस्ती को निभाना नहीं आता। घर से निकलती हूं तो सिर्फ काम के लिए, और वापस आती हूं तो हमेशा काम से थककर। शायद इसीलिए एक दिन मैं जब अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में थी और एक शख्स ने मुझसे बात करनी चाही, मुझे लगा कि फालतू में लाइन मार रहा है। आशिकों की भी कोई कमी नहीं है बॉम्बे शहर में, तो थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो शख्स मेरे घर के ठीक ऊपर रहता है, और उसने टिपिकल आशिक स्टाइल में कहा, कभी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। कितनी घटिया पिकअप लाइन है, मैंने सोचा। एनीवे, कुछ हफ्तों बाद उस शख्स ने मुझे मेरे घर की बालकनी में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा। मैं एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी और ट्राइपॉड से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसने तुरंत मुझसे पूछा, क्या आज आपको कुछ मदद की जरूरत है? मैंने कहा नहीं, लेकिन इसके चेहरे पे एक हंसी थी, ना कोई छल ना कोई कपट, सिर्फ हंसी। और उस दिन मुझे सच में जेन्युइनली महसूस हुआ कि वो शायद मेरी मदद ही करना चाहता है। मैंने सोचा आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम ये है, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं जानना, आई विल ऑलवेज कॉल यू ऊपर वाला। और शायद ऊपर वाले ने ही भेजा था उसे। अकेली रहती हूँ मैं इस शहर में और बीमार बहुत ज्यादा पड़ती हूँ। एक दिन शूट से मैं घर आ रही थी और मुझे लगा कि मुझे बुखार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं घर आई, मैंने दवाई ली और मैं सो गई। रात को 3 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि मेरा बदन बहुत तप रहा था। मैंने थर्मोमीटर निकाला, तापमान लिया, इट वॉज 105.4 डिग्रीज। मैं हिल भी नहीं पा रही थी अपने बिस्तर से। एक आधा दोस्त थे, मैंने उनको कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं, रात के 3 बज रहे थे। और मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया कि शायद सिर्फ ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है। किसी तरह इंटरकॉम तक गई मैं, मैंने कॉल की और मैंने कहा, शायद आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। वो नीचे आया एक पड़ोसी के तौर पर, ना कोई रिश्ता, ना कोई दोस्ती, ना कोई प्यार, सिर्फ मेरे घर की छत और उसके घर की ज़मीन एक दूसरे को कई सालों से जानती थी। अगले कुछ घंटों तक उसने मेरी बहुत सेवा की, निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्मय, जैसे एक माँ अपने बुखार में तपते हुए बच्चे के सिर पर पट्टियाँ रखती है। सुबह 6 बजे तक उसने मेरे सर पे ठंडी पट्टियाँ रखी। सुबह होने पे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा मलेरिया है। कुछ हफ्तों में ठीक हो गई मैं। मेरे एक आधा दोस्त आए मुझसे मिलने, किसी किसी ने फ़ोन पे पूछताछ भी की, लेकिन उस ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा रिश्ता सिखलाया जो रिश्ता होता है इंसानियत का, जो दीवारें हमारे घरों के बीच में तो ज़रूर होती हैं लेकिन हमारे दिलों के बीच में नहीं। आज मुझे करीबन 2 साल हो चुके हैं मुंबई में, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की और बॉम्बे शहर की, मुझे ये सिखाने के लिए कि दोस्त अगर दोस्त ना भी रहें, प्यार और परिवार आपकी ज़िंदगी में ना भी हो, लेकिन हम सबका तो एक पड़ोसी है।